इंदौर शहर में ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके शिकार हर आयु वर्ग के लोग हो रहे हैं। लोग तरह तरह के प्रलोभन में फंसकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठते हैं। फ्रॉड का सबसे बड़ा माध्यम गूगल सामने आया है, जिस पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने के दौरान ठगी हो रही है। इसके साथ ही बिजली बिल पेमेंट को लेकर भेजी गई लिंक के माध्यम से लोगों के साथ ठगी की वारदात हो रही है। यह लिंक शातिर ठगों द्वारा भेजी जा रही है। वह गूगल पर मौजूद छोटे लोन दिलाने वाले ऐप्स अभी ठगी का नया जरिया बने हुए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के लगातार बढ़ रहे मामले, हर आयु वर्ग के लोग हो रहे हैं ऑनलाइन ठगी के शिकार। ठगों द्वारा दिए प्रलोभन में फंसकर हो रहे शिकार। बिजली बिल पेमेंट की लिंक भेजकर भी हो रही ठगी। जागरूकता ही ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का एकमात्र उपाय। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन नंबर पर लगातार ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें पुलिस को मिल रही है, जिस पर क्राइम ब्रांच की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हर आयु वर्ग के लोग हो रहे हैं, जो ठग द्वारा किए जा रहे प्रलोभन में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। अभी फ्रॉड का सबसे बड़ा माध्यम गूगल सामने आ रहा है। गूगल पर मौजूद कस्टमर केयर नंबर डले होते हैं। इन नंबरों को गूगल खुद वेरीफाई नहीं करता कि ये उक्त संस्था के ही सही नंबर है। जब लोग गूगल पर सर्च कर कस्टमर केयर का नंबर लगाते हैं, तो उधर से ठग ऐप डाउनलोड कराने के नाम पर व्यक्ति का OTP या पिन नंबर मांग लेता है। वह फिर कुछ ही समय में उनके खाते से रुपए कट हो जाते हैं। हालांकि यदि समय रहते ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत क्राइम ब्रांच की साइबर हेल्पलाइन पर की जाए, तो आवेदक के साथ हुई ठगी को रोककर आवेदक के सारे रुपए वापस उसके खाते में लौटाए जा सकते हैं। पिछले 4 माह में इंदौर क्राइम ब्रांच ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 1,35,00,000 रुपए आवेदकों को पैसे वापस लौटाए। ऑनलाइन फ्रॉड इस वक्त बड़ी एक बहुत ही उभरती हुई और बढ़ती हुई समस्या है, और इसमें हम देख रहे हैं कि सभी उम्र के लोग, बच्चों से लेके रिटायर्ड लोग तक, सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और मुख्य रूप से इसका जो कारण है वो है जो आपको प्रलोभन जो अलग अलग माध्यमों से दिए जाते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। और ऐसी स्कीम, लोन फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, आपका प्राइस फ्रॉड, आपका इनाम फ्रॉड, हर तरीके के इसमें फ्रॉड जो हैं वो परिलक्षित हो रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है जो आपके गूगल पे जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं, एक बहुत बड़ा वो माध्यम है। हम लोगों के ये एक आदत होती है कि हमें किसी का नंबर ढूंढना है तो गूगल पे हम सर्च करते हैं, और गूगल पे जैसे ही हम कोई कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं तो वो प्रायः जो है वो फ्रॉड नंबर निकल के आता है, क्योंकि गूगल इस बात को वेरीफाई नहीं करता कि अलग अलग संस्थानों के जो नंबर उस पर पड़े हुए हैं वो सही या गलत हैं। तो और फिर वो कस्टमर केयर पर बात हो जाती है, और फिर वो जो है एक तरीका बताते हैं, और उसमें कोई ऐप डाउनलोड कराते हैं, एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराते हैं, और फिर OTP मांगते हैं, पिन मांगते हैं, और फिर जो है बहुत सारे इसमें पैसे जो है लोगों के चले जाते हैं।
तो इसलिए इन सब सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है, और कोई भी घटना हो तो तुरंत हमारा जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 70 49 12 44 45, इस पे तत्काल सूचना देने पर हम यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन फ्रॉड सेल है वो प्रयास कर सकता है कि हम ट्रांजैक्शन को रोक के आपके पैसे वापस करा सकें। अभी 4 माह में अप्रैल तक हमने लगभग 1,35,00,000 रुपए हमने लोगों के वापस कराए हैं, और इसमें जो है लगातार जो है ये प्रक्रिया जारी है, और जैसे जैसे लोग इसमें हमारे पास आते हैं तुरंत उस पर हमारा फ्रॉड सेल उस पर जुट जाता है और पूरा प्रयास करता है। उसको लेके भी शिकायतें भी हाल में आई हैं, बिजली के बिल का पेमेंट को लेके लिंक आती है, आप लिंक पे आपको क्लिक करवाया जाता है, ओटीपी मांगा जाता है और फिर उसमें उल्टा पैसे चले जाते हैं और वो किसी फ्रॉड के पास चले जाते हैं। तो इसलिए ओटीपी नंबर और पिन नंबर जो है ये आपके जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, उसके आधार हैं ये ओटीपी नंबर और पिन नंबर। इनको जो है कभी भी शेयर ना किया जाए, इनको बड़ा बहुत ही इनको गोपनीय रखा जाए, और कोई भी मांगता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये गड़बड़ है, क्योंकि ओटीपी आपसे कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी, कोई भी आपसे बैंक कभी आपसे ओटीपी ऐसे फ़ोन पे नहीं मांगती है, तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा उभरता हुआ जो साइबर फ्रॉड है वो है लोन फ्रॉड, जिसमें कि आपके गूगल पे हज़ारों की तादाद में ऐसे ऐप्स हैं जो कि 5 से 10 हज़ार तक के लोन देते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट के, बट मगर वो क्या है, वो ट्रैप है, वो आपको लोन देते हैं 5 हज़ार रुपये का, आपसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं और उसी डाउनलोडिंग में आपका सारा डेटा जो है वो लोग उसमें अपने पास कैच कर लेते हैं। फिर जब आप 5 हज़ार रुपये लौटा भी देते हो उनके, मान लीजिए लोन के, तो उसके बाद वो रुकते नहीं हैं और आपको जो है आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उनको अश्लील मैसेज, उनको धमकी भरे मैसेज करने के एवज में आपसे और पैसे मांगते हैं, और मांगते जाते हैं और रुकते नहीं हैं। तो इस तरह के जितने भी ये ऐप हैं, सस्ते ऐप जो हैं जो आपको कम मात्रा के जो लोन दे रहे हैं, ये सब फर्जी हैं, इस तरह का कोई सिस्टम होता नहीं है। जो अधिकृत सोर्स हैं लोन के, बैंक हैं और अन्य स्रोत हैं जो आपके शहर में मौजूद हैं, आपके पास में मौजूद हैं, उन्हीं से लोन लीजिए। ये ऐप के माध्यम से जितना भी ऑनलाइन जो ये लोन का सिस्टम चल रहा है ये सब फर्जी है। जागरूकता की और आवश्यकता है, और साइबर क्राइम का जो इलाज है, जो रामबाण इलाज है, वो जागरूकता ही है। जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे, लोगों के बहकावे में आना बंद कर देंगे, प्रलोभन वाली स्कीम, ऐसे लालच देने वाली स्कीम जो सच से परे हों, ऐसी स्कीमों पर भरोसा करना बंद कर देंगे, तो हमको जो है साइबर क्राइम से लड़ना जो है और आसान हो जाएगा। एडवाइजरी निश्चित ही क्राइम ब्रांच द्वारा जारी की जाती हैं, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार, बहुत ज़्यादा जो है बिजली बिल पेमेंट की लिंक मैसेज के माध्यम से भेज कर भी शातिर बदमाशों द्वारा ठगी करना शुरू कर दिया है। इस तरह की शिकायतें भी साइबर हेल्पलाइन पर आ रही है, जिसको लेकर भी क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई कर आवेदकों की राशि वापस लौटाई जा रही है। इसको लेकर लगातार क्राइम ब्रांच द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है, जिसमें किसी को भी अपना ओटीपी और पिन नंबर नहीं देने को कहा जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे शिकायतों का ट्रेंड आया है जिसमें कि अपनी बच्चियों का, लड़कियों का, उनको उनके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे उनको कोई व्यक्ति मैसेज करता है और उनको ब्लैकमेल करता है कि आपके फ़ोटो हमारे पास है और आप जो है ऐसा ऐसा करिए, तभी नहीं तो आपके फ़ोटो हम वायरल कर देंगे। इसमें प्रमुख तौर पे हमने देखा है कि इसका बहुत बड़ा कारण रहता है कि कभी पूर्व में जो है किशोरावस्था में जो है फ़ोटो अपने खींच के, निजी फ़ोटो वो शेयर किए जाते हैं, और जब उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है या संबंध जो है खट्टे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो अगला व्यक्ति जो है वो इस तरह से अपना कृत्य करने का प्रयास करता है, ब्लैकमेलिंग का। तो इसलिए जो है इसमें अब सभी युवाओं को इस बात पर बड़ा ध्यान देने का आवश्यकता है कि अपने अपने जो है इस तरह की कोई निजी फ़ोटो ना तो अपने फ़ोन में रखें, पहली बात, क्योंकि आपके फ़ोन का अकाउंट हैक हो जाएगा तो वहाँ से भी वो फ़ोटो जा सकते हैं, और ना ही इस तरह के फ़ोटो जो हैं वो शेयर करें अनजान लोगों को या ऐसे लोगों को जो भरोसे के काबिल नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपनी निजी फ़ोटो ना भेजें, क्योंकि फिर उसमें जो है वो एक बार
जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो इंटरनेट का सिस्टम है, वो ऐसा है कि एक बार उसमें कोई चीज़ प्रसारित हो जाती है तो वो सदा सदा के लिए जो है उसमें उस सिस्टम में पहुंच जाती है, और लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो भेजा गया डेटा जो है वो डिलीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि अपने निजी फ़ोटो जो हैं वो कभी भी अपने फ़ोन पर ना रखें, कभी भी किसी को मेल ना करें, व्हाट्सएप ना करें, ऐसे उनको जगह जगह उनको भेजें ना। शिकायतें काफ़ी हैं, मैं समझता हूँ 20-25 शिकायतें हमारे पास आई हैं, और इसमें इनको निजी फ़ोटो वायरल करने के एवज में ब्लैकमेल की शिकायत भी आई थी अभी कुछ महीने पहले, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा 2.5 लाख रुपए मांगे गए, और फिर हमने घेराबंदी करके उस व्यक्ति को पकड़ा और फिर उसमें जो है आगे उसमें कार्रवाई भी कराई गई। यदि हम जागरूक रहकर ऑनलाइन फ्रॉड से बचेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऑनलाइन फ्रॉड में कमी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।